हिरण्य कश्यप का बेटी, हिरण्य कश्यप की बेटी का क्या नाम था? प्रहलाद। क्या कहते था? क्या नाम था? प्रहलाद। जो हिरण्य कश्यप था वो सोचता था कि उसका बेटा उसकी पूजा करे। क्या करे? उसकी पूजा, यानी कि अपने पापा की पूजा करे। बट प्रहलाद जो था वो विष्णु भगवान को मानता था, हरि भगवान को मानता था। वो हरि भगवान की क्या करता था? पूजा करता था। तो उसके जो पापा थे, हिरण्य कश्यप थे, वो प्रहलाद से बहुत ज्यादा चिढ़ते थे। क्या करते थे? चिढ़ते थे कि ये मेरी पूजा नहीं करता है, ये मेरा बेटा नहीं है, उससे बहुत ज्यादा चिढ़ते थे। ओके, तो उन्होंने अपने बेटे को मरवाने के लिए बहुत सारे क्या किए? उपाय किए। हॉल से तेल में डलवा दिया, ऊपर छत से नीचे फेंकवा दिया, सांप से कटवाया। पर जो प्रहलाद था वो किसकी पूजा करता था? भगवान विष्णु की पूजा करता था। इसलिए भगवान विष्णु ने प्रहलाद की क्या की? रक्षा की। क्या की? रक्षा की। और जो प्रहलाद जो था उसको जितने बार मरवाते थे हिरण्य कश्यप, वो प्रहलाद बच जाया करता था। क्या हो जाता था? बच जाया था। एक दिन की बात है, एक जो था एक पवित्र अग्नि चलाई गई। क्या अग्नि? मतलब आग जलाई गई। अभी जब आप होली होती है तो आप आग देखते हो ना, रोड पे कितनी सारी आग लगी रहती है, खूब सारी लकड़ी। तो वैसे ही एक पवित्र आग जलाई गई और जो होलिका थी उसको एक वरदान मिला था कि वो आग में बैठेगी तो वो जलेगी नहीं। तो उसके पास एक चुन्नी थी। होलिका के पास क्या थी? एक चुन्नी थी। तो जब आग जली तो उसने प्रहलाद को ऐसे गोद में उठाया और आग में जाके बैठ गई। क्या हो गई? बैठ गई। चुन्नी ऐसे ओढ़ के प्रहलाद को बैठ गई। लेकिन फिर वो प्रहलाद जो था हरिओम हरिओम करके पूजा करने लगा। तो खूब तेज से हवा चली और वो होलिका की चुन्नी उड़ के प्रहलाद के ऊपर आ गई। क्या हो गई? प्रहलाद के ऊपर आ गई। तो जब वो चुन्नी उड़ गई तो होलिका जो थी वो क्या हो गई? जल गई। क्या हो गई? जल गई। और प्रहलाद बच गया। क्या हो गया? प्रहलाद बच गया। इससे बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। क्या होती है? बुराई की अच्छाई पे जीत होती है। क्योंकि होलिका जो उसकी बुआ थी वो बुरी थी ना, कोई बच्चे को लेके बैठा है आग में? नहीं बैठता है ना। तो उसकी बुआ गंदा काम करने जा रही थी ना, निशा बुआ उसकी गंदा काम करने जा रही थी ना, इसलिए भगवान ने उनको दंड दे दिया और प्रहलाद जो थे उनको बचा लिया। तो नहीं क्यों जलाते हैं? बुराई पे अच्छाई की जीत करने के लिए होली का फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। दूसरे दिन हम लोग क्या करते हैं? डांस करते हैं, कलर खेलते हैं, है ना, फिर शाम को न्यू क्लॉथ पहन के गुजिया खाते हैं, पापड़ खाते हैं, अपने दोस्तों के यहाँ जाते हैं और ऐसे हम करके मिलते हैं ना। हैप्पी होली।